आज हम लोग बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की। इधर हम लोगों ने कश्मीर के विषय में बहुत कुछ सुन रखा है, तो हम लोग जम्मू कश्मीर के विषय में वर्तमान की बात करें, इससे पहले हम लोग इसके प्राचीन काल, मध्यकाल और जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय की स्थितियों को देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो धारा 370 है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन किया गया है। फिर हाल के समय में जो एक मूवी थी कश्मीर फाइल्स, उसके विषय में फिर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कश्मीर के प्राचीन काल के विषय में बात करते हैं। अगर हम लोग कश्मीर के विषय में देखें तो इसका जो इतिहास है वो नवपाषाण काल से शुरू होता है। यदि हम लोग में से कोई इतिहास के विद्यार्थी हैं तो कश्मीर को यदि आप नवपाषाण काल में ढूंढें तो श्रीनगर के पास दो नवपाषाणकालीन साइट्स हैं, एक गुफकराल और एक बुर्जहोम। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। प्राचीन में दो साइट्स हैं, बुर्जहोम और एक है गुफकराल। ये दो साइट्स ऐसे हैं जिसके विषय में हम लोग को जानना आवश्यक है। ये दोनों साइट्स कृषि प्रधान साइट हैं और यहाँ से आप कश्मीर के विषय में प्राचीन काल में जान सकते हैं। उसके बाद एक मान्यता है कि कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पे पड़ा है। ये वही ऋषि कश्यप हैं जिनके पिता का नाम मरीचि है, और ये वही मरीचि है जो माना जाता है, हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है कि ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं उनमें से एक मानस पुत्र मरीचि हैं, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप हैं, और इन्हीं ऋषि कश्यप के नाम पे कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा। अब यदि हम लोग इतिहास में कश्मीर को ढूंढें तो मौर्य काल से लेके हून, शुंग काल, कुषाण काल, इन सभी में कश्मीर का वर्णन हुआ है। यदि हम लोग देखें कश्मीर के पास एक साइट है जो आज पाकिस्तान चला गया है, उसका नाम है तक्षशिला। हम लोग जानते हैं कि ये जो तक्षशिला है पूरे दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है जिसके आचार्य कभी चाणक्य हुआ करते थे। प्राचीन काल में यदि हम लोग देखें कनिष्क के समय में, तो कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म का जो चौथा सम्मेलन हुआ था वो सम्मेलन कश्मीर में ही हुआ था। कश्मीर में एक वंश की स्थापना हुई थी, उसका नाम है कारकोट वंश। उसी कारकोट वंश के एक भारत प्रसिद्ध शासक हुए जिनका नाम था ललितादित्य, जिन्होंने मार्कंड सूर्य मंदिर बनाया था जिसके अवशेष आज भी हम लोग अनंतनाग पुलवामा के आसपास देख सकते हैं। तो इस कारकोट वंश तक हिंदुओं का वहाँ शासन था, उससे पहले बौद्ध धर्म का भी वहाँ प्रभाव रहा है। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कारकोट वंश के बाद लोहार वंश का शासन कश्मीर पे हुआ, और इसी लोहार वंश की एक महत्वपूर्ण शासिका थी जिनका नाम है रानी दिद्दा। ये वही रानी दिद्दा है जिसपे अभी हाल फिलहाल में एक मूवी बनने वाली है, और उसकी जो एक्ट्रेस है वो कंगना रनावत होंगी, जो हम लोग 2023 में उस मूवी को देखेंगे। इसी कारकोट वंश के बाद जो लोहार वंश आया, और लोहार वंश के बाद हम लोग देखेंगे कि कश्मीर पे धीरे धीरे इस्लाम का प्रवेश, मुस्लिमों का प्रवेश हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदल गई। तो इतने चीज़ों को जो अभी हम लोग लेक्चर के माध्यम से जाना है उसे हम लोग थोड़ा सा बोर्ड पे डायग्राम के माध्यम से जानते हैं। अगर हम लोग कश्मीर को प्राचीन काल में देखते हैं तो इसका इतिहास नवपाषाण काल पे आता है। यहां पे दो महत्वपूर्ण साइट्स हैं, एक बुर्जहोम
और एक गुफ कराल। ये दोनों कृषि प्रधान साइट थे। यहां से हम लोग को कश्मीर का इतिहास पता चलता है। हम लोग को पता है कि कश्मीर पे मौर्य वंश का, मौर्य के बाद हूनों का, शकों के पश्चात कुषाण का यहाँ शासन रहा। उसके बाद कारकोट वंश यहाँ स्थापित हुई। कारकोट के बाद लोहार वंश यहाँ स्थापित हुआ। लोहार वंश के बाद मध्यकाल में इस्लाम ने एक शाहमीरी वंश की सत्ता स्थापित हुई। शाहमीरी वंश के बाद हम लोग देखेंगे कि मुगलों ने भी यहाँ शासन किया है। शाह हम लोग जानते हैं कि शाहजहां ने श्रीनगर के आसपास शालीमार बाग की स्थापना की थी। मुगल के बाद कश्मीर की सत्ता सिखों के पास चली गई। सिखों के बाद कश्मीर पे अंग्रेजों का अधिकार हुआ और अंग्रेजों ने कश्मीर की हुकूमत डोगरा वंश के शासकों को दे दी। और इसी डोगरा वंश के बाद जब भारत आजाद हुआ तो शेख यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुए, अर्थात शेख अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुए। 1953 तक ये चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद 53 से 75 तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी। फिर 75 में फिर शेख अब्दुल्ला 75 से 1982 तक ये चीफ मिनिस्टर थे। 1982 से इनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत संभाला। फिर हम लोग यदि देखें तो इनके एक पुत्र हैं उमर अब्दुल्ला, वो भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर हम लोग देखें कि 2017 में महबूबा मुफ्ती के पिता सैयद ने यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। सैयद के बाद महबूबा मुफ्ती यहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी। और आज 2019 के चीज़ों को जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग जान लेंगे कि किस प्रकार धारा 370 को निरस्त किया गया है। तो ये प्रारंभ से लेके कश्मीर का ये इतिहास है। अब इसे क्रमबद्ध रूप से हम लोग आगे देखते हैं। अब ये प्राचीन काल की बात हो गई। अब प्राचीन काल के बाद जब भारत में तुगलकों का शासन था तो लगभग 1350 में एक शासक था, एक मंगोल शासक था, सिकंदर बुत शिकन। उसने कश्मीर में शाहमीरी वंश की शाहमीरी वंश को स्थापित किया। और इसी शाहमीरी वंश का एक शासक था जैनुल आबेदीन। जिसे दूसरा अकबर भी बोला जाता है। अब यहाँ पे एक शासक है सिकंदर बुत शिकन। और इसके समय से कश्मीर में जो हिंदू और बौद्ध बाहुल्य था वो धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट होता चला गया। इसी के बाद एक शासक हुआ शाहमीरी वंश का जैनुल आबेदीन, जो एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। उसे धर्म से कोई मतलब था नहीं। ये भारत का पहला शासक है जिसने भारत में जजिया कर को हटाया था। अब जब हम लोग बात करते हैं इस्लामिक हिस्ट्री की, तो यदि इस्लामिक हिस्ट्री को एक कट्टर इतिहास में बताना होता है तो हम लोग सिकंदर बुत शिकन से इसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि सिकंदर बुत शिकन एक कट्टर शासक था जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया। अब किसी को इस्लाम का सॉफ्ट चेहरा दिखाना होता है तो वो लोग जैनुल आबेदीन की बात करते हैं। तो यहाँ पे बात है अपनी अपनी विचारधारा की।
अगर कोई विचारधारा रेडिकल है तो वो सिकंदर बुत सिकंद की बात करेगा और जैनुल आबेदीन को छोड़ देगा, और यदि कोई सॉफ्ट विचारधारा का है तो वो जैनुल आबेदीन की बात करेगा और सिकंदर बुत सिकंद को छोड़ देगा। उसके बाद हम लोगों ने जो अभी देखा है कि सिकंदर बुत सिकंद के बाद जैनुल आबेदीन थे, फिर मंगोलों का भी यहाँ पे शासन रहा, फिर मंगोल के बाद लगभग 19वीं शताब्दी में सिखों ने यहाँ पे शासन किया। सिख के संस्थापक थे रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने कश्मीर की सत्ता अंग्रेजों को दी और अंग्रेजों ने यह सत्ता डोगरा वंश को दी। डोगरा राजपूत वंशों को कश्मीर की सत्ता दी। अब हम लोग थोड़ा डोगरा वंश के विषय में जानेंगे। डोगरा राजवंश ये एक राजपूत वंश है, कश्मीरी राजपूत वंश है, जिसकी स्थापना गुलाब सिंह ने की थी। इसमें फिर कुछ शासक हुए, तीन महत्वपूर्ण शासक का नाम जानना आवश्यक है। एक गुलाब सिंह, और जब भारत आजाद हो रहा था उस समय थे हरि सिंह, और हरि सिंह के बाद एक नाम हम लोग को जानना है कर्ण सिंह। जब भारत आजाद हुआ तो इसी डोगरा वंश के हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पे साइन किया था। तो ये डोगरा वंश है जिसके संस्थापक गुलाब सिंह हैं, उसी के वंश के हरि सिंह थे और उसी के वंश के कर्ण सिंह हैं। अब हम लोग का जो महत्वपूर्ण विषय है, भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय कश्मीर की स्थिति क्या थी, ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि भारत में पहले कश्मीर विलय करना नहीं चाह रहा था। तो अभी उस समय हम लोग अब उसके पृष्ठभूमि को देखेंगे और एक एक करके ईस्वी दर ईस्वी हम लोग चलेंगे तो समझना काफी आसान होगा। तो बात यदि हम लोग करते हैं 1947 की, तो हम लोग को पता है कि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत आजाद हुआ था, और 1947 को ही भारत से एक क्षेत्र अलग होके पाकिस्तान बना। अर्थात 15 अगस्त को जहां भारत आजाद हुआ वही इसी से एक क्षेत्र अलग होके पाकिस्तान बना। लेकिन जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय भारत पूरी तरह आजाद नहीं हुआ था। कम से कम 40% ऐसे रजवाड़े थे जो न भारत में मिले थे न पाकिस्तान में मिले थे, और कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जो फ्रांस के अधीन थे और कुछ क्षेत्र पुर्तगाल के अधीन थे। तो इन क्षेत्रों पे भी अधिकार करना, इन्हें अपने में मिलाना, इनका एकीकरण करना भारत के लिए काफ़ी आवश्यक था। यदि ऐसा नहीं होता तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता। तो अब हम लोग पहले भारत के एकीकरण को देखते हैं। एकीकरण लगभग स्वतंत्रता के समय 565 रियासतें थी, और इन 565 रियासतों में लगभग 530 रियासतें भारत में मिल गई और रेस्ट जो थी वो पाकिस्तान में मिल गई। तो अधिकतर रियासतें तो भारत में मिल गई, लेकिन तीन रियासत ऐसी थी जो भारत में मिलना नहीं चाह रही थी, और इन्हीं तीन रियासतों को मिलाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। साथ ही साथ हम लोग को ये जानना चाहिए कि ये जो रियासत मंत्रालय था उस समय,
रियासत मंत्रालय के जो प्रधान थे वो सरदार पटेल थे और इनके सचिव का नाम वीपी मेनन था। हम लोग देखे कि जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय भारत का लगभग 40% रियासत था और ये 40% जो रियासत था वो अंग्रेजों के हाथ में था, यानी कि ये जो 40% क्षेत्र था वो आजाद नहीं हुआ था, अर्थात भारत में उसका एकीकरण नहीं हुआ था, इसे हम लोग को अंग्रेजों से लेना था। तो अंग्रेजों ने रियासतों के समक्ष 3 प्रस्ताव रखे। अंग्रेजों ने कहा कि या तो आप भारत में मिल जाइए या फिर आप पाकिस्तान में मिल जाइए या फिर आप स्वतंत्र या ऑटोनॉमस रह सकते हैं। तो हम लोग को ये बात पता है कि एक मानव स्वभाव होता है कि कोई किसी में मिलना चाहता नहीं है, सामान्यतः लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन देश इस प्रकार चलता नहीं है। तो जब रियासत मंत्रालय बना तो रियासत मंत्रालय का प्रधान सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, जो एक नामी गिरामी वकील थे, काफ़ी होनहार गुजरात के नेता थे, और उनके सचिव वीपी मेनन बने जो केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, जिन्होंने बाद में जस्टिस पार्टी में अपने आप को शामिल भी किया था। तो इन लोगों ने एक एक करके रियासतों को, भोपाल एक रियासत था, त्रावणकोर एक रियासत था, इंदौर एक रियासत था, इन रियासतों को मिलाना शुरू किया। अधिकांश रियासतें थोड़े से मशक्कत के बाद मिल गए, लेकिन 3 रियासतों में एक जूनागढ़, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर में पेच फंस गया। तो इन 3 जो रियासतें थी, पहले हम लोग देखेंगे इन 3 रियासतों में ऐसा क्या था कि ये लोग मिलना नहीं चाहते हैं। तो कश्मीर के मुद्दे पे आए, उससे पहले हम लोग जूनागढ़, जो सबसे पहले भारत में इसका विलय किया गया, उसकी स्थिति को देखेंगे। जूनागढ़, यदि इसके भारत के मानचित्र को हम लोग देखते हैं तो जूनागढ़ की स्थिति यहां है और यहां पाकिस्तान है और यहां पे समुद्र है, यानी कि अरब सागर है। अब ये जो जूनागढ़ है इसके शासक मुस्लिम थे। मुस्लिम कहना आवश्यक है क्योंकि आगे चीजें क्लियर होंगी। और उस मुस्लिम शासक का नाम था महावत खान, लेकिन इसी जूनागढ़ की जो जनता थी अधिकांश जनता हिंदू थी, यानी कि जो जूनागढ़ है उसकी जो अधिकांश जनता हिंदू थी और उसके जो शासक थे वो मुसलमान थे, अर्थात उनका नाम महावत खान था। तो महावत खान को जो पाकिस्तान के शासक थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने प्रलोभन दिया कि यदि आप जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में करेंगे तो आपको विशेष रियायतें दी जाएगी। ये बात 1947 की है। तो महावत खान चाहता था कि पाकिस्तान में उसका विलय हो, और हुआ भी यही कि महावत खान ने भारत की आज़ादी के जस्ट एक महीने बाद 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान के विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया और पाकिस्तान में जूनागढ़ का विलय किया। लेकिन यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत सरकार इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है क्योंकि ये जो जनता है वो शासक के खिलाफ है। पटेल का कहना था ये जो रियासतें हैं और रियासतों की जो जनता है भारत के स्वतंत्रता में न केवल भारत का साथ दिया है और न वो साथ ही साथ वो चाहते हैं कि भारत तो आज़ाद हो ही, साथ ही साथ उनके जो रियासत है उनसे भी उन्हें आज़ादी मिले। तो पटेल इस विलय के पक्ष में नहीं थे। तो पटेल ने महावत खां पे दबाव डाला
महावत खां अपने लाव लश्कर के साथ पाकिस्तान भाग गया और वहां पे जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ के दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, ये वही शाहनवाज भुट्टो हैं जो पिता थे जुल्फिकार अली भुट्टो के, जिनकी पुत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की कभी प्रधानमंत्री थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, और उनके पुत्र बिलावर भुट्टो आज भी पाकिस्तान के बहुत बड़े नेता हैं। तो ये जो जूनागढ़ है, उसके दीवान थे शाहनवाज भुट्टो। उन्होंने पटेल को कहा कि अधिकांश जनता भारत में विलय चाहती है, इसलिए आप चाहें तो जूनागढ़ पे आप अधिकार कर सकते हैं और उसे भारत में मिला सकते हैं। लेकिन पटेल और नेहरू ने सोचा कि अभी अभी हम लोग आज़ाद हुए हैं और इस प्रकार किसी क्षेत्र पे साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के आधार पे अधिकार करना सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने जनमत संग्रह की बात की। और जनमत संग्रह के तहत 1 जनवरी 1949 को प्लेबिसाइट हुआ, यानी जनमत संग्रह हुआ, और जनमत संग्रह के तहत 99% वोटिंग भारत के पक्ष में हुई। और इस प्रकार जो जूनागढ़ भारत के आज़ादी के 1 महीने बाद पाकिस्तान में मिल गया था, उसे जनमत संग्रह के तहत भारत में मिलाया गया। तो इस प्रकार जूनागढ़ भारत का 1949 में हिस्सा हो गया। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 में, और 1956 में जो भाषा के आधार पर राज्यों का एकीकरण हुआ, तो 1956 में ये जूनागढ़ सौराष्ट्र का हिस्सा हुआ, और उस समय ये महाराष्ट्र अर्थात बम्बई राज्य में था 1956 में, और बम्बई राज्य से 1960 में जब गुजरात अलग हुआ तो गुजरात का ये एक क्षेत्र हुआ। तो इस प्रकार जो जूनागढ़ हम लोग देख रहे हैं, वो जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था सरदार पटेल की चतुराई से, आज वो भारत में काफ़ी बेहतर स्थिति में है। तो अब हम लोग बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में नवाब का शासन था। अब यहां की डेमोग्राफी कुछ अलग थी, नवाब भी मुस्लिम था और यहां पे तेलुगु भाषी लोग भी रहते थे, कन्नड़ भाषी लोग भी रहते थे और मराठी लोग भी रहते थे, और साथ में मुस्लिमों की भी अच्छी खासी तादाद थी। और साथ में हम लोग यदि हैदराबाद के डेमोग्राफी के साथ मानचित्र को देखें तो हैदराबाद की ये स्थिति थी। हैदराबाद एक बड़ा रियासत था और नवाब का ये विचार था, चूंकि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे पाकिस्तान में मिलना चाहिए। लेकिन यदि उसके भूगोल को देखा जाए तो ये बिल्कुल ही सही नहीं था, क्योंकि यदि हम लोग इसके मानचित्र को देखें तो ये हैदराबाद है, तो ये पाकिस्तान में किस प्रकार मिलते, यदि उसे सैन्य सहायता की आवश्यकता पड़ती तो पाकिस्तान इधर से नहीं आ सकता था, ये समुद्री मार्ग है, समुद्री मार्ग से भी पाकिस्तान उसे सैन्य सहायता देने के लिए आ नहीं सकता था। तो ये नवाब की एक मूर्खता थी कि वो अपने इच्छा अनुसार पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवाब को समझाया कि आप ऐसा न करें, लेकिन नवाब ने उस समय एक 1947 में स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट किया। ये स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट ये था कि हमें 1 साल के लिए सोचने का वक्त दिया जाए, ना हम पाकिस्तान या भारत में मिलेंगे ना हम पे किसी प्रकार की कार्रवाई हो। और उन्हीं 1 साल के बीच वहाँ पे एक संगठन था जिसका नाम MIM है, जिसके आज भी एक नेता
असदुद्दीन ओवैसी हैं और वहाँ पे एक और स्वयंसेवी संगठन था रजाकार, इन लोगों ने वहाँ की आबादी को जो मुस्लिम नहीं थी उसे काफ़ी परेशान करना शुरू किया और एक साल होते होते लाखों हजारों बेगुनाह जनता को मौत के घाट पे इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वहाँ का नवाब पाकिस्तान में मिलना चाहता था। जब ये बात हुकूमत को पता चली अर्थात जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चली तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना को हैदराबाद पे कूच करने का आदेश दिया और केवल 3 दिनों में हैदराबाद को भारत में सैन्य कार्रवाई के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। तो जहां जनमत संग्रह से जूनागढ़ को वहीं सैन्य कार्रवाई से हैदराबाद को भारत में मिलाया गया और फिर जब राज्य का पुनर्गठन हुआ तो तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में चला गया, कन्नड़ भाषी क्षेत्र कर्नाटक में चला गया और मराठी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र में चला गया। तो अब ये जूनागढ़ की बात हो गई, हैदराबाद की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर का उस समय शासक हरि सिंह था, उसका ये कहना था कि यदि हम भारत में मिलते हैं तो भारत में लोकतंत्र आएगा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री लोकतंत्र के हितैषी हैं, समाजवादी हैं, तो हम यहाँ पे चुनाव होगा और यहाँ की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिमों की है तो मैं यहाँ का शासक नहीं बनूंगा। उनकी एक और मुश्किल ये थी कि यदि वो पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, एक कट्टर राष्ट्र है, तो वहाँ भी वो जानता था कि मैं शासक बन के नहीं रह सकता। तो पहले वो प्रयास किया कि वो स्वतंत्र रहे, तो पटेल ने उसे काफ़ी समझाया कि आप सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र रह सकते हैं लेकिन व्यवहारिक रूप से यदि आप देखें तो कश्मीर की जो स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बफर क्षेत्र है जो दो बड़े देशों से घिरा हुआ क्षेत्र को बफर क्षेत्र कहते हैं, तो आप व्यवहारिक रूप से भविष्य में स्वतंत्र नहीं रह सकते, इसलिए अच्छा होगा कि आप भारत में विलय कर लीजिए। लेकिन उन्हें अपनी जनता और अपने सेना पे भरोसा था तो हरि सिंह पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में विलय करने से इनकार कर दिए। ये बात है 1947 की। अब एक महत्वपूर्ण तिथि है 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 1947। यहाँ पटेल इन सभी चीज़ों को देख रहे थे, वहीं जिन्ना अपने साम्राज्यवादी विचारधारा से इतने भूखे थे कि वो किसी भी तरह कश्मीर को अपने में मिला लेना चाहते थे। उन लोगों के सपने में पूरी तरह से कश्मीर हावी था और 20 अक्टूबर 1947 को जिन्ना ने अपने सैन्य प्रमुख अकबर खां को ये ऑर्डर दिया कि आप सैन्य टुकड़ी के साथ कश्मीर पे हमला करिए। और 20 अक्टूबर को अकबर खां वजीरिस्तान के कुछ मुस्लिम आदिवासी लोगों का एक सेना बनाया और उनके जो अपने सैनिक थे उन्हें उस टुकड़ी में मिलाया और 10,000 लोगों के साथ कश्मीर की ओर कूच कर दिया। तो ये 20 अक्टूबर एक महत्वपूर्ण तिथि है। 20 के बाद 22 अक्टूबर को जो महावत ये कश्मीर की जो सेना है 22 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद पहुंच गई। 22 अक्टूबर के बाद 23 अक्टूबर को ये सेना उरी तक पहुंच गई थी। यहाँ पे जो हरि सिंह के जो ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह, उन्होंने हरि सिंह को समझाया कि देखिए आपकी जो जनता है वो मुस्लिम है, अधिकांश जनता जो मुस्लिम है और गरीब भी है, हो सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना अर्थात पाकिस्तान उसे
अपने में विलय करने का प्रलोभन देगा तो आपकी जो जनता है, आपकी जो सेना है, उस ओर चली जाए। लेकिन हरि सिंह ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो 23 अक्टूबर को ये जो पाकिस्तान की जो सेना है 23 अक्टूबर तक उरी तक पहुंच गई, और उरी और श्रीनगर के बीच 50 से 100 किलोमीटर का ही अंतर है। उसके बाद राजेंद्र सिंह जो ब्रिगेडियर थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया कि उरी से जाने वाला एक पुल था जो श्रीनगर को जोड़ता था, उन्होंने उस पुल को ध्वस्त कर दिया और दो दिन तक सेना उरी में ही रुक गई। अगर वो पुल को ध्वस्त नहीं किया जाता तो आज जो कश्मीर का मुद्दा होता ही नहीं और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो गया होता। अब एक महत्वपूर्ण तिथि है 25 अक्टूबर, और इस 25 अक्टूबर 1947 को बारामूला में सेना पहुंच गई, जिसे हम लोग बारामूला कांड भी कहते हैं। वो एक वैसी सेना थी जो इंसान को इंसान समझती ही नहीं थी। उन्होंने बारामूला में 70% आबादियों की हत्या कर दी। उन आबादी में हिंदू भी थे, उस आबादी में मुस्लिम भी थे, और उस आबादी में ईसाई लोग भी थे, सिख लोग भी थे। तो उन लोगों ने बारामूला की 70% आबादी को खत्म कर दिया। आज भी बारामूला के लोग उस नरसंहार को याद करके डर जाते हैं। 25 तारीख को ये सेना बारामूला आ गई और 26 तारीख को इन्होंने श्रीनगर को रात में घेर लिया। जब सेना बारामूला आ गई थी तो हरि सिंह को लग गया कि अब यदि भारत में विलय नहीं किया जाएगा तो उसका तो खात्मा होगा ही, कश्मीर पूरी तरह से तहस नहस होगा। इसलिए उन्होंने सरदार पटेल से बात किया। सरदार पटेल ने उन्हें जम्मू चले जाने के लिए कहा। वो 25 अक्टूबर को जम्मू चले गए। उसके बाद 26 अक्टूबर को वीपी मेनन और हरि सिंह के जो प्रधानमंत्री थे मेहर चंद महाजन, इन लोगों की मीटिंग हुई। इन लोगों ने विलय पत्र हरि सिंह को दिया और 26 अक्टूबर की डेट को हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पे, अर्थात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर किया। हरि सिंह के तरफ से कश्मीर भारत का एक अंग हो गया। लेकिन उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, उन्होंने 27 अक्टूबर को विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया और 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर कानूनी तरीके से भारत का अंग हो गया। और ये जो रात में श्रीनगर पे जो पाकिस्तान की सेना श्रीनगर को घेर चुकी थी और 27 अक्टूबर को फिर से बारामूला की तरह कांड होने वाला था, उस कांड को रोकने के लिए दिल्ली से वायु सेना भारत कश्मीर की ओर कूच की। उस समय जो श्रीनगर, दिल्ली से श्रीनगर आने का जो रास्ता था केवल और केवल वायु मार्ग था, कोई सड़क मार्ग था नहीं। लेकिन 27 अक्टूबर को सेना आई और कश्मीर को बचाया गया। अब यहाँ पे 27 अक्टूबर को तो विलय पत्र के तहत 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का विलय, भारत में हो गया। हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन इस विलय को मोहम्मद अली जिन्ना मानने से साफ साफ इनकार किया। उसका कहना था कि जनता मुस्लिम बहुल है। जिस प्रकार जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ है, उसी तरह ये विलय, कश्मीर का विलय भी जनमत संग्रह के आधार पर हुआ। तो 27 अक्टूबर 1947 से 31 दिसंबर 1948 तक भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध लगभग डेढ़ साल सवा साल तक चलता रहा। अर्थात
कश्मीर के लिए, कश्मीर पे अधिकार करने के लिए 27 अक्टूबर 1947 से 31 दिसंबर 1948 तक ये युद्ध चला, जहां जिन्ना जनमत संग्रह की बात कर रहे थे, प्लेबिसाइट की बात कर रहे थे, वही कश्मीर भारत का एक अंग विलय पत्र के तहत हो चुका था। यहीं पे 31 दिसंबर 1948 को इस खींचतान में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के मुद्दे को यूएन ले गए। उनका विचार था कि अब यूनाइटेड नेशन ये कश्मीर का फैसला करे कि कश्मीर भारत का हिस्सा होगा या पाकिस्तान का हिस्सा होगा। अर्थात 31 दिसंबर 1948 को नेहरू ने यूएन में, यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मुद्दे को ले गए, और यूनाइटेड नेशन ने 1948 अप्रैल को कश्मीर के मुद्दे पर एक संकल्प पत्र, एक संकल्प पत्र अर्थात एक रिजोल्यूशन लाया, और उस रिजोल्यूशन के आधार पे जो चीजें रखी गई वो हम लोग अब आगे देखते हैं। ये रिजोल्यूशन था क्या, यूएन रिजोल्यूशन क्या था जो अप्रैल 1948 में आया। यूनाइटेड नेशन में जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे जवाहरलाल नेहरू ने जो शिकायत दर्ज की थी, वो शिकायत चैप्टर 6 के तहत दर्ज की थी। ये चैप्टर 6 और चैप्टर 7 भी समझना जरूरी है। चैप्टर 6 के तहत इन्होंने शिकायत दर्ज की। चैप्टर 6 जो होता है वो मैंडेटरी होता है, अर्थात ऑप्शनल होता है। क्या ऑप्शनल होता है? यदि आप यूनाइटेड नेशन में शिकायत दर्ज करते हैं और यूनाइटेड नेशन जो आदेश देता है उस आदेश को मानना आपके लिए आवश्यक नहीं है। आप चाहे तो मान भी सकते हैं और आप चाहे तो नहीं भी मान सकते हैं। और चैप्टर 7 के तहत यदि आप जो शिकायत करते हैं तो उस पर जो यूनाइटेड नेशन का आदेश आएगा आपको उसको मानना ही होगा। यहाँ पे नेहरू जी ने एक काफ़ी समझदारी वाला फैसला मेरे अनुसार किया था कि चैप्टर 6 के तहत उन्होंने शिकायत दर्ज की थी, यदि आदेश आता है तो भारत उसे मान भी सकता है और भारत उसे नहीं भी मान सकता है। तो ये जो रिजोल्यूशन था, तो ये रिजोल्यूशन क्या था ये हम लोग देखते हैं। यूएन रिजोल्यूशन, इसके तहत यूनाइटेड नेशन ने आदेश दिया कि जहां पे युद्ध रुकेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा है, जहां पे जिस स्थिति को वह युद्ध रुकेगा वही स्थिति को LOC अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाएगा, और उस लाइन के एक और भारत और एक और पाकिस्तान होगा। यानी कि जो यह युद्ध था जो 31 दिसंबर 1948 को रुका था, इसी तिथि को LOC माना गया। यानी कि इस तिथि में जहां पे सेना है वही भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर हो जाएगा। उस समय भारत की सेना ने नेहरू जी को बोला, यदि आप हमें 1-2 महीने और देते हैं तो हम लोग पूरा पाकिस्तान को निपटा सकते हैं। लेकिन चूंकि नेहरू जी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि के व्यक्ति थे, उन्हें अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि से काफ़ी प्यार था, तो उन्होंने सोचा कि जहां हम लोग हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के तहत अभी हाल फिलहाल में भारत का अंग बनाए हैं, अभी फिर हम लोग कश्मीर में भी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को देखते हैं, तो ये छवि कहीं ना कहीं अभी जो हाल में भारत स्वतंत्र हुआ है उसके लिए ये सही नहीं होगा। तो 31 दिसंबर 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम की घोषणा की। यदि नेहरू जी 1 महीने या 2 महीने युद्ध और होने देते तो हो सकता था
जो कश्मीर का एक क्षेत्र जिसे हम लोग POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो भारत से अलग नहीं होता। खैर, दूसरा रिजोल्यूशन था कि जब पाकिस्तान अपनी सेना कश्मीर से हटाएगा, उसी के बाद भारत की भी सेना कश्मीर से अलग होगी, तब जाके जब शांति व्यवस्था बहाल होगी तो जनमत संग्रह होगा, यानी कि जनमत संग्रह अर्थात प्लेबिसाइट होगा। यानी जनमत संग्रह होगा, यानी कि जनता के फैसले के आधार पे यह तय होगा कि कश्मीर भारत का हिस्सा होगा या पाकिस्तान का हिस्सा होगा। लेकिन तब होगा जनमत संग्रह जब शांति व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। अब ये शांति व्यवस्था स्थापित कैसे होगी? ये शांति व्यवस्था तब स्थापित होगी जब पूरे कश्मीर से पाकिस्तान की सेना चली जाएगी और श्रीनगर से भी भारत की सेना पीछे हट जाएगी। अब ये हम सभी लोग को पता है, ना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को कभी पाकिस्तान छोड़ने वाला है, और जब तक वो छोड़ेगा नहीं तो कश्मीर से सेना पीछे हटेगी नहीं और जनमत संग्रह कभी होगा नहीं। तो UN ने तो ये रेजोल्यूशन दिया कि जनमत संग्रह के आधार पे शांति व्यवस्था जब स्थापित होगी तो कश्मीर की जनता ये फैसला करेगी कि उसे जाना किस ओर है। तो ये UN रिजोल्यूशन है और इसके आधार पे वाद विवाद चलता रहता है। इसी बीच UN रिजोल्यूशन आ गया, विलय पद पे हस्ताक्षर हो गया, कश्मीर भारत का अंग हो गया। 1950 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मृत्यु हो गई, 1948 में गांधी जी की भी हत्या हो गई। उसके बाद जब कश्मीर भारत का अंग हुआ तो एक व्यक्ति थे शेख अब्दुल्ला, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MSc के छात्र थे। वो कभी हरि सिंह के कैद में थे, जवाहरलाल नेहरू के कहने पे हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को रिहा किया। इन्हें कश्मीर का एक प्रमुख नेता माना जाता था उस समय। वो जब जम्मू कश्मीर भारत का अंग हुआ तो शेख अब्दुल्ला कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हुए। तो 1953 तक शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हुए। इनकी एक मांग थी कि जो हमारा सदर रियासत जो हरि सिंह है, हम हरि सिंह को सदर रियासत नहीं मानेंगे, उनके पुत्र को हम लोग सदर रियासत मान सकते हैं। तो 1953 में ही सदर ए रियासत कर्ण सिंह बने। ये कर्ण सिंह आगे चल के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भी चांसलर थे, और पिछले बार जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिसमें रामनाथ कोविंद से ये हार गए थे। तो ये कर्ण सिंह कश्मीर के राजा के पुत्र थे, और शेख अब्दुल्ला के आग्रह पे हरि सिंह हटे और कर्ण सिंह सदर रियासत हो गए। सदर रियासत एक प्रकार का राज्यपाल होता है, और 1953 तक शेख अब्दुल्ला कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है धारा 370। आर्टिकल 370। अब ये आर्टिकल 370 है क्या? ये आर्टिकल 370 कश्मीर को एक विशेष राज्य बनने की बात करता है। जैसे एक बिहार भी एक राज्य है और कभी जम्मू कश्मीर भी एक राज्य होता था, लेकिन दोनों के राज्य के फ्लेवर में अंतर है। जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, और साथ ही वहाँ एक अलग संविधान, उसका एक अलग झंडा, उसके चीफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री कहा जाने लगा, उसके राज्यपाल को सदर रियासत कहा जाने लगा। और प्रारंभ में जम्मू कश्मीर के जनता के अलावा
यदि कोई जम्मू कश्मीर में जाना चाहता है तो परमिट सिस्टम भी लाया गया। तो इन सभी उद्देश्यों के तहत धारा 370 का निर्माण किया गया और यही धारा 370 जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया। जब संविधान सभा भारत में थी तो संविधान सभा में जो कानून बनता था उसके ड्राफ्ट को अंबेडकर जी बनाते थे, लेकिन धारा 370 जो एक विवादास्पद ड्राफ्ट था उसे अंबेडकर V.R. अंबेडकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। तो जवाहरलाल नेहरू के एक मित्र थे अयंगर साहब, इन्होंने धारा 370 के ड्राफ्ट को बनाया और ये जो धारा 370 का ड्राफ्ट था पहले 306A था, 306A करके एक ड्राफ्ट बना और ये ड्राफ्ट जब संविधान सभा से पारित हुआ तो यही अनुच्छेद 370 बना। यानी कि अनुच्छेद 370 कभी एक 306A ड्राफ्ट था जिसे अयंगर साहब ने बनाया था, तब जब अंबेडकर ने इसे बनाने से इनकार कर दिया। इस धारा 370 को लेकर जवाहरलाल नेहरू की काफ़ी आलोचना हुई। उनके गवर्नमेंट में एक मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो धारा 370 के प्रखर विरोधी थे। उन्होंने कहा कि एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक झंडा होना चाहिए और पूरे देश में भारत की जनता कहीं भी आ जा सकती है, वहाँ व्यापार कर सकती है, वहाँ शादी विवाह कर सकती है। इसलिए जम्मू कश्मीर को इस प्रकार का स्पेशल स्टेट बनाना सही नहीं होगा। इसके विरोध में 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर बिना परमिट के गए और 1953 को ही उन्हें जम्मू कश्मीर में अर्थात कश्मीर में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के दौरान ही जेल में डाउटफुल तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई, जो कभी जनसंघ के नेता थे। ये वही जनसंघ है जिससे जनता पार्टी बनी और वही जनता पार्टी से 1980 में BJP गवर्नमेंट का निर्माण हुआ है। तो हम लोगों ने देखा कि धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया। 1953 तक शेख अब्दुल्ला वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर का जो ओहदा था वहाँ प्राइम मिनिस्टर के बराबर था, यानी चीफ मिनिस्टर का जो ओहदा था वहाँ प्राइम मिनिस्टर के बराबर था। फिर 1953 में और साथ में ये भी था धारा 370 में, धारा 370 के 3 में एक बात था, यदि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होता है तो धारा 370 के 3 में ये बात लिखी गई है कि जम्मू कश्मीर जो एक भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, इस अनुच्छेद को आपात स्थिति में हटाया जा सकता है, लेकिन हटाने का एक प्रावधान होगा। वो प्रावधान ये होगा कि जम्मू कश्मीर की जो विधान मंडल है उसके सिफारिश से ही भारत की संसद अनुच्छेद 370 को हटा सकती है। अब उन लोगों ने ये सोचा कि ये जो विधान मंडल अर्थात हम लोग हैं, हम लोग कभी खुद नहीं चाहेंगे कि धारा 370 हटे। तो उस समय की परिस्थिति में अनुच्छेद 370 के 3 में इस बात की चर्चा है कि इसे हटाया जा सकता है, इसलिए अनुच्छेद 370 को भाग 21 में लिखा गया था। अनुच्छेद 370 को भाग 21 में लिखा गया। अब ये भाग 21 क्या है? भाग 21 में वही सब अनुच्छेद होते हैं जो अस्थाई और संक्रमण कालीन है। यानी कि अनुच्छेद 21 में 369 से 392 तक के अनुच्छेद रखे गए हैं। ये सभी के सभी अनुच्छेद ऐसे हैं जो अस्थाई हैं। यानी जवाहरलाल नेहरू का भी ये सोच था कि ये जो धारा 370 है
जिसके तहत हम लोग जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट बना रहे हैं, ये अनुच्छेद अस्थाई है। इसी कारण अस्थाई होने के कारण इसे भाग 21 में रखा गया था और ये नियम बनाया गया कि धारा 370 को वहाँ की विधानमंडल के सिफारिश पे राष्ट्रपति संसद से पास होने के बाद हटा सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं 1953 में शेख अब्दुल्ला, इन्हीं के पुत्र हैं फारूख अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और इन्हीं के पुत्र हैं उमर अब्दुल्ला, ये भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और इसी उमर अब्दुल्ला की जो बहन है उनकी शादी राजस्थान के सचिन पायलट से हुई है। तो ये मामला 1953 का है जब शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। उस समय तक जो शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू के कभी मित्र हुआ करते थे, एक समाजवादी दृष्टिकोण के थे, पाकिस्तान विरोधी थे और कभी नहीं चाहते थे कि एक कट्टर देश में जम्मू कश्मीर का विलय हो। वो धीरे धीरे पाकिस्तान परस्त होने लगे क्योंकि भारत लोकतंत्र की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगा, धर्मनिरपेक्षता की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगा और यही लोकतंत्र और यही धर्मनिरपेक्षता को वो खतरा माने और उन्हें लगने लगा कि यदि मैं किसी तरह जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला देता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा ये बेहतर होगा। लेकिन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने कर्ण सिंह को ये आदेश दिया कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण, इस आरोप के कारण शेख अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त किया जाए और सदर रियासत होने के कारण कर्ण सिंह जो उस समय काफ़ी युवा थे, कर्ण सिंह ने शेख अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त कर दिया और वहाँ पे अनुच्छेद शेख अब्दुल्ला सरकार जो बर्खास्त हुई तो 1953 से 1975 यानी कि लगभग 22 साल तक कांग्रेस गवर्नमेंट रही और यही से चीज़ें अब धीरे धीरे बदलने लगी। हम लोग देखते हैं कि 2019 में 370 को बदल दिया गया या ख़त्म किया गया, लेकिन यदि आप 1953 से वर्ष दर वर्ष देखिएगा तो धारा 370 में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा है और 2019 से पहले ही लगभग 80% भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पे लाद दिया गया था। अब 1953 से 1975 के बीच कांग्रेस की गवर्नमेंट भारत में थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में थी और यहाँ तो केंद्र में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी ही, तो दोनों तरफ कांग्रेस गवर्नमेंट थी। अब धीरे धीरे 1953 से 370 अनुच्छेद को बदला जाना प्रारंभ किया गया। तो पहला बदलाव 370 में ये आया कि 1955 से आईएएस आईपीएस का जो पद है उनकी नियुक्ति जम्मू कश्मीर में की जाने लगी। 1959 में फिर धारा 370 में संशोधन हुआ और जो जनगणना जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता है 1959 में वो जनगणना जम्मू कश्मीर में भी कराया जाने लगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ जिसमें भारत की हार हुई और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को काफ़ी आघात लगा। अब वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का सॉल्यूशन कर दिया जाए, लेकिन इसी बीच 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है और लाल बहादुर शास्त्री 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये एक पटेल मानसिकता के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने सबसे पहले 1965 में जो ये शब्द है सदर रियासत, इसे बदलकर राज्यपाल कर दिया
और प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री के तहत काम करता था, प्रधानमंत्री नाम हटा के चीफ मिनिस्टर कर दिया 1965 में। फिर 1966 में हमारे लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु विदेश में हो गई। उसके बाद इंदिरा गांधी भारत की सत्ता पे काबिज हुई और 1966 से वो भारत की प्रधानमंत्री बनी। ये काफ़ी तेजस्वी प्रधानमंत्री भारत की रही हैं। इन्होंने भी धारा 370 में तेजी से परिवर्तन करना प्रारंभ किया। और ये जो शेख अब्दुल्ला हैं, जो 1953 से लेके 1975 तक केरल के कोडे कैनाल नामक हिल स्टेशन पे नज़रबंद थे, उन्हें वहीं रखा गया और धीरे धीरे 370 में परिवर्तन होता रहा। फिर ये साल 1972 का आया और 1972 के साल में शेख अब्दुल्ला ने लंदन टाइम्स में एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा, जो जनमत संग्रह की बात है, प्लेबिसाइट की जो बात है, अब वो निराधार है। आज के परिस्थितियों में जनमत संग्रह हो नहीं सकता है और जनमत संग्रह के आधार पे जम्मू कश्मीर का फैसला हो नहीं सकता है, इसलिए अब जम्मू कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग बना रहे तो बेहतर होगा। यहाँ पे वो अब थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए। तो शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच दिल्ली में मीटिंग हुई और ये मीटिंग एक आईएएस ऑफिसर जो उस समय इंदिरा गांधी के काफ़ी करीबी थे, पार्थ शास्त्री ने, उन्होंने ये मीटिंग कराया और शेख और इंदिरा गांधी की मीटिंग हुई। 1975 में शेख अब्दुल्ला नज़रबंद से निकले और फिर से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने और 1975 से 1982 तक शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बन गए। और 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हुई और 82 में उनके पुत्र, जो कभी राजस्थान में मेडिकल की पढ़ाई करते थे, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने। इधर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान परस्त के लोगों ने ये दबाव बनाना शुरू किया कि जम्मू कश्मीर को, विशेष रूप से कश्मीर को, पाकिस्तान में मिलाया जाए। इसी बीच 1987 में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए। 1987 में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ और फिर से फारूक अब्दुल्ला वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए। और इलेक्शन से पहले राजीव गांधी, जो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने 370 में फिर से संशोधन किया और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंशियल रूल लगाने की बात कही। यानी कि जो जम्मू कश्मीर में भारत का राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता था, 1985 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा और राष्ट्रपति शासन के दौरान वहाँ चुनाव हुआ और फारूक अब्दुल्ला 1987 में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने। अब वहाँ के जो उग्रवादी लोग थे, ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, उन लोगों को लग गया कि अब बातचीत का सभी रास्ता बंद हो गया है, अब हम लोग को उग्रवाद से आगे जाके अर्थात हिंसा का रूप अख्तियार करना होगा। देखिए, एक संगठन होता है जो क्रांतिकारी होता है लेकिन हिंसा का उपयोग नहीं करता है तो वो उग्रवादी होता है, और एक संस्था जो हिंसा का उपयोग करता है, हथियारों का उपयोग करता है, गोली बंदूकों का उपयोग करता है, तो वही उग्रवादी संस्था आतंकवादी संस्था में कन्वर्ट हो जाता है। और 1987 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का एक नया स्वरूप भारत को 1987 के बाद देखने को मिला। और उसी के बाद वहाँ की जो एक कश्मीरी पंडित बहुल आबादी थी, वो धीरे धीरे जम्मू कश्मीर से पलायन करना शुरू की। इसी बीच 1990 में
19 जनवरी को एक घटना घटित हुई। 1990 को एक घटना घटित हुई। ये वो काल था जब निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन का भारत में दौर हम लोग देख रहे थे, और वही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का अब कोहराम मच रहा था। वहाँ की जो मुस्लिम बहुल आबादी थी, जो पाकिस्तान परस्त हो चुकी थी, वो वहाँ की जो एक जनसंख्या थी जो कश्मीरी पंडितों के नाम से जानी जाती थी, उनका पलायन जबरदस्ती वो लोग करने लगे। और ये जो 19 जनवरी 1990 की घटना है, वहाँ के अधिकतर मस्जिदों से ये ऐलान किया गया कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से हटा दिया जाए। जो लोग हटते हैं ठीक है, जो लोग नहीं जाना चाहते हैं वो लोग धर्म परिवर्तन कर ले, जो धर्म परिवर्तन भी नहीं करना चाहते उनकी हत्या कर दी जाए। और उसी के बाद एक 19 जनवरी को नरसंहार हुआ चुन के। कहा जाता है कि 4 लाख कश्मीरी पंडितों को मात्र 5 दिनों में हत्या कर दी गई, और इसी को आधार बनाकर अभी हाल फिलहाल में कश्मीर फाइल्स के नाम पे विवेक अग्निहोत्री ने एक मूवी बनाई है, जिसके विषय में बात हम लोग बाद में करेंगे। इसके बाद कश्मीरी पंडितों का पलायन कश्मीर से शुरू हुआ। उस समय फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो 2002 में भी प्रयास किया गया कि स्थिति थोड़ी सी ठीक हो। फिर 2002 से चीज़ें आगे बढ़ी और 2014 आया, और यहाँ पे भारत में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट शुरू हुआ। हम लोग देखें कि हम लोग को लग रहा था कि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 है उसे तुरंत ही हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 2014 से 2019 के बीच में जो पहला मोदी गवर्नमेंट था उसमें चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ नहीं रही थी, तो हम लोग को लगा कि अब ऐसा होगा नहीं। लेकिन फिर एक डेट आया 2019 में 5 अगस्त, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और 5 अगस्त से अनुच्छेद 370 को राज्यसभा में, 6 अगस्त को लोकसभा में, 9 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद धारा 370 को खत्म किया गया। लेकिन ये इतने आसानी से हुआ नहीं था। इसे समझने के लिए हम लोग इसके बैकग्राउंड में पहले जाते हैं और देखते हैं कि कैसे चीज़ों को बदला गया है। तो एक वर्ष है 2017, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, और चुनाव में पीडीपी, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, पीडीपी और बीजेपी ने मिलके गवर्नमेंट बनाया। और हम लोग को पता है कि जम्मू कश्मीर में 87 एमएलए का चुनाव होता है, 87 एमएलए का चुनाव होता है। बीजेपी ने भी 24-25 बीजेपी के 24-25 विधायक चुनाव जीते थे, कैंडिडेट चुनाव जीते थे, और बीजेपी के मदद से पीडीपी ने गवर्नमेंट बनाया और सैयद साहब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। ये वही पीडीपी है जो अफजल गुरु जिसने 2001 में संसद पे हमला किया था, उसी अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दिया। अब ये एक राजनीतिक मामला है, जहां बीजेपी अपने आप को राष्ट्रवादी दल होने की बात कहती है और अफजल गुरु को एक आतंकवादी मानती है, वहीं वो उससे गठबंधन करती है जिसने आतंकवादी को शहीद का दर्जा दिया था। खैर, ये परिस्थितियों की बात है। तो 2017 में पीडीपी और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, और बीजेपी जो कभी जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, जिनके सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कहिए या मृत्यु कश्मीर में इस मुद्दे पे हुई थी कि धारा 370 नहीं होना चाहिए, अब उन्हीं की पार्टी भारत में सबसे शक्तिशाली पार्टी थी। अब इन्होंने किस प्रकार धारा 370 को हटाया है, हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इसे देखते हैं। तो 2017 में गवर्नमेंट बना, बीजेपी भी जम्मू कश्मीर में पावर में आई, और एक साल के बाद सैयद साहब की
मृत्यु हो गई, उनके बाद महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी, जो थोड़ा सा एक रेडिकल सोच के मुख्यमंत्री है। इनके पिता जो सैयद साहब है, कभी 1989-1990 में भारत के गृह मंत्री भी थे, और गृह मंत्री रहते ही महबूबा मुफ्ती की जो बड़ी बहन है उनकी किडनैपिंग आतंकवादियों ने की थी। खैर वो दूसरा चीज़ है। तो सैयद साहब की मृत्यु के बाद महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनी, जो एक रेडिकल सोच की चीफ मिनिस्टर थी। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी। 2018 में बीजेपी ने सरकार से हाथ खींच लिया और सरकार वहाँ पे गिर गया और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया। यहाँ पे एक चीज़ जानना आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है भारत का जहाँ पे डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, जैसे बिहार में या यूपी में डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन नहीं लगता। क्योंकि 1956 में जो जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान बना था उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 92, उसमें कहा गया है कि जब चीज़ें ऐसी हो जाए कि सरकार जब नहीं चले तो यहाँ पहले आप राज्यपाल शासन लगाइए, और ये राज्यपाल शासन तब लगेगा कि जो वहाँ का विधानमंडल कहेगा। तो सरकार गिर गया, सरकार तो था नहीं, तो राज्यपाल शासन लगेगा कैसे? तो भारत का संविधान कहता है कि यदि सरकार नहीं चल रही है तो वहाँ का जो विधानमंडल है उसका काम संसद करेगा। अब जब संसद नहीं, जब संसद है तो विधानमंडल का काम करेगा, और या तो संसद करेगा या फिर अपना एक पावरफुल इंसान को स्टेट में डेप्यूट करेगा। तो सरकार तो गिर गई, विधानमंडल था नहीं, तो अनुच्छेद 92 के तहत जम्मू कश्मीर में पहले राज्यपाल शासन लगा। और जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन किसी भी परिस्थिति में 6 माह से अधिक चल नहीं सकता है। 6 माह के बाद वहाँ से राज्यपाल शासन को हटाना ही होगा। तो 6 माह तक राज्यपाल शासन लगा, और जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल इंसान सत्यपाल मलिक, जो बागपत से संबंध रखते हैं, उन्हें वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा गया। और माना जाता है कि जो सत्यपाल मलिक है वो जम्मू कश्मीर के विशेषज्ञ माने जाते हैं। और ये एक इंडिकेशन था कि अब धारा 370 को ख़त्म होने के लिए बहुत ज़्यादा दिन है नहीं। तो जम्मू कश्मीर में 2018 में राज्यपाल शासन लगा, अनुच्छेद 92 के तहत सत्यपाल मलिक वहाँ के राज्यपाल बने। उसके बाद 6 माह के बाद सत्यपाल मलिक, जो वहाँ के गवर्नर हैं, उन्होंने ये राष्ट्रपति को परामर्श दिया कि अभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि यहाँ चुनाव कराया जाए, इसलिए अच्छा होगा कि अब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो राष्ट्रपति ने 2018 दिसंबर में वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब 2019 का साल आया, पुलवामा घटना घटित हुआ फरवरी 14, 2019 को, और एक आतंकवादी घटना घटित हुआ था पुलवामा में। उसके बाद वहाँ के जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने ये घोषणा की थी कि मोदी सरकार एक बार आ जाए चाहे 10 बार आ जाए, लेकिन धारा 370 कभी हटेगा नहीं। लेकिन वो धारा 370 के हटने का समय अब नज़दीक था। 2019 में अपने 303 MLA के साथ बीजेपी भारत में फिर से एक मजबूत सत्ता के रूप में उभर के सामने आई। उसके बाद डेट आया 5 अगस्त 2019। इस बार भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह न होके अमित शाह बने, जो गांधीनगर से चुनाव जीत कर आए थे और कभी
गुजरात के भी गृह मंत्री ये रहे थे, इनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर था कि हमें हर हाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हत्या या मृत्यु का बदला लेना है और धारा 370 को हटाना है। इन लोगों के एजेंडा में शुरू से धारा 370 कहीं था ही नहीं। तो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पहले हम लोग देखते हैं कि धारा 370 को किस प्रकार धीरे धीरे हटाया गया, फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर जब एक बात संविधान में लिखी हुई थी जम्मू कश्मीर के संविधान में, तो उनके विधानमंडल के परामर्श के बिना संशोधन नहीं हो सकता, तो किस प्रकार भारत सरकार ने ये संशोधन किया है। तो संशोधनों की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग डेट बाय डेट देखते हैं कि किस प्रकार चीज़ें बदली हैं। तो ये 5 अगस्त था, अमित शाह राज्य सभा आए, पांच अगस्त 2019 राज्यसभा, और राज्यसभा में एक एक करके चार चीजें हुई। पहले अमित शाह ने 2 रिजोल्यूशन अर्थात संकल्प पत्र लाया। संकल्प पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसमें केवल वोटिंग होता है, आपको या तो हाँ या तो आपको ना कहना होता है, या तो आपको उसका समर्थन करना होता है या तो आपको उसका समर्थन नहीं करना होता है। तो अमित शाह ने एक रिजोल्यूशन लाया, संकल्प पत्र लाया, 2 संकल्प पत्र लाया। पहले रिजोल्यूशन में था 1954 का आदेश, 1954 को राजेंद्र प्रसाद जो उस समय राष्ट्रपति थे उनके आदेश पे, जो 1952 में शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच एक दिल्ली समझौता हुआ था, उसके तहत एक बात कही गई थी कि जम्मू कश्मीर का मूल नागरिक होगा कौन, इसको क्लियर किया जाए। तो 1954 में उन परिस्थितियों को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने और राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था, यानी राष्ट्रपति का एक आदेश 1954 के तहत पारित हुआ था। अनुच्छेद 370 में जो पहला संशोधन हुआ था 1954 में, और ये क्लियर किया गया कि वहाँ का मूल नागरिक कौन होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 1954 के आदेश में पहले था क्या, जिसके रिजोल्यूशन को लाके ख़त्म किया गया, इसमें मूल नागरिक की बात की गई है। अब मूल नागरिक होगा कौन, तो वहाँ का जो संविधान है, वहाँ की जो सरकार है, उनका कहना है कि 1954 से 10 साल पहले जो वहाँ रह रहा है वहाँ का मूल नागरिक है, और वहाँ की अचल संपत्ति का हकदार है, जिन्होंने अचल संपत्ति को कानूनी तरीके से खरीदा है, वो जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा। अर्थात जो 1954 से या 1954 से 10 साल पहले से रह रहा है वहाँ अचल संपत्ति खरीदे हुए है कानूनी तरीके से, वो जम्मू कश्मीर का मूल नागरिक होगा और उसे कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। अब ये विशेष अधिकार क्या हैं? विशेष अधिकार ये है कि जम्मू कश्मीर में जो आरक्षण होगा ये बाहरी लोगों को, अर्थात जम्मू कश्मीर के जो मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण जम्मू कश्मीर में मिलेगा नहीं। दूसरा, चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो कोई खरीद नहीं सकता है। तीसरा, आप जम्मू कश्मीर में व्यापार नहीं कर सकते हैं अगर आप मूल नागरिक नहीं हैं। चौथा, विवाह नहीं कर सकते हैं, यानी कि वहाँ की लड़कियों से विवाह नहीं कर सकते हैं,
लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग अगर चाहे तो बाहर की जो लड़कियां वहां के लड़कों से विवाह कर सकती, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो लड़का है वो चाहे तो जम्मू कश्मीर के बाहर जाके विवाह कर सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर के जो लड़के हैं वो जम्मू कश्मीर के लड़कियों से विवाह नहीं कर सकते। तो इन सभी चीज़ों की चर्चा 1954 में थी, और इन चीज़ों को लेके एक 1954 में जो आदेश पारित हुआ उसके तहत एक अनुच्छेद बना, अनुच्छेद 35A। वीडियो कितना मिनट का हो गया? तो ये अनुच्छेद 35A हुआ। तो अब इन्हीं ये जो अनुच्छेद 35A है, इसी 35A में इन सभी चीज़ों को रखा गया, और इस 35A में मूल नागरिक कौन, जो जम्मू कश्मीर का है, उसको विस्तार से बताया गया और कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा है वही तय करेगी कि जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है कौन। और यहाँ पे हम लोग को ये जानना चाहिए कि 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, और 1957 में स्वतः जो जम्मू कश्मीर के संविधान को वहाँ की संविधान सभा बना रही थी, जिसके एक सदस्य शेख अब्दुल्ला भी थे, 57 में स्वतः संविधान सभा निरस्त हो गई अर्थात खत्म हो गई। तो ये सभी चीज़ें थी, और इसी 1954 के आदेश को रिजोल्यूशन फर्स्ट के तहत अमित शाह ने निरस्त कर दिया, जो 5 अगस्त को अमित शाह राज्यसभा में रिजोल्यूशन लाए थे उस रिजोल्यूशन के तहत 1954 के आदेश को निरस्त किया। कैसे किया इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो रिजोल्यूशन को निरस्त किया, जब 1954 का ये आदेश निरस्त हुआ तो स्वतः ही इसके तहत जो 35A बना था, 35A अनुच्छेद बना था जिसमें मूल नागरिक की चर्चा थी, स्थानीय निवासी की चर्चा थी, क्योंकि लोकल रेसिडेंट होगा कौन उसकी चर्चा थी। जब 1954 का आदेश निरस्त हो गया, खत्म हो गया, रद्द हो गया, नलीफाई हो गया, तो स्वतः ही अनुच्छेद 35A भी निरस्त हो गया। उसके बाद रिजोल्यूशन 2 आया, और इसमें कहा गया कि धारा 370 को हम लोग खत्म करते हैं, और रिजोल्यूशन 2 के तहत धारा 370 को खत्म किया गया। राज्यसभा में कहा गया कि आधे घंटे में इस रिजोल्यूशन को पढ़ लिया जाए और इसे राज्यसभा से पारित किया जाए। तो वहाँ के कुछ सदस्यों ने, विशेष रूप से कांग्रेस के लोगों ने, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि यदि आप किसी भी प्रकार का रिजोल्यूशन या बिल किसी भी सभा में लाते हैं तो 7 दिन पहले आपको सूचित करना होता है। लेकिन हमारे संविधान में 2-3 ऐसे अनुच्छेद हैं, जैसे कि एक अनुच्छेद है 118, एक अनुच्छेद है 122, ये दोनों अनुच्छेद संविधान में है और कहता है कि सदन किस प्रकार चलेगा, ये सदन ही अर्थात जो सदन में जो सबसे पावरफुल है वो तय करेगा। तो ये जो बात है, ये बात व्यवहारिक रूप से सही है, सैद्धांतिक रूप से भी सही है कि यदि आप कोई बिल लाते हैं, कोई रिजोल्यूशन लाते हैं, तो सामान्यतः यानी जनरली आपको 7 दिन पहले सदन को सूचित करना होगा। लेकिन ये मैंडेटरी है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 118 और अनुच्छेद 122 सदन को ये शक्ति देता है कि सदन ये तय करेगा कि वो अपने कार्रवाइयों को किस प्रकार चलाएगा। इसी में एक अनुच्छेद है 255, इसी में एक अनुच्छेद है 255। ये 255 कहता है कि आप यदि सदन चल रहा है तो उसके कार्रवाई को इस आधार पे आप निरस्त नहीं करिएगा, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सदन के कार्रवाई को या उनके किए गए कार्यों को इस आधार पे निरस्त नहीं कर सकती कि सदन को 7 दिन पूर्व सूचित नहीं किया गया। यानी कि इन 2-3 अनुच्छेदों के मदद से अनुच्छेद 255
118 और 222 के आधार पे पूर्व बिना पूर्व सूचना के भी रिजोल्यूशन लाया जा सकता था। तो इन दो रिजोल्यूशन के आधार पे 370 और 1954 के आदेश को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद अमित शाह ने एक विधेयक लाया, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक। अब हम लोग उसको देखते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक, विधेयक अलग होता है, अधिनियम अलग होता है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019, इन्होंने 5 अगस्त को ही राज्यसभा से दोनों रेजोल्यूशन पास कराया, उसके 57 पेज का ये विधेयक दिया और फिर राज्यसभा को बोला कि आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए और इसे पास करिए। और इसमें किन चीज़ों की चर्चा है वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो पुनर्गठन हुआ है, किसका पुनर्गठन हुआ है? ये जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है। तो पहले देखते हैं कि जम्मू कश्मीर था किस प्रकार। जब हम लोग बात करते हैं JNK की यानी जम्मू कश्मीर की, तो हम लोग को पता है कि उसकी राजधानी 2019 से पहले श्रीनगर थी। तो जम्मू कश्मीर में एक जम्मू रीजन आता था, एक कश्मीर का भी रीजन आता था, एक लद्दाख रीजन आता था, साथ में वो रीजन था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया है वो भी, और एक अक्साई चीन जो चीन के कब्जे में है और उसी में जहां मानसरोवर है, जहां कैलाश पर्वत वगैरह है। तो जब हम लोग बात करते थे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू की भी बात करते थे, कश्मीर की भी बात करते थे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की भी बात करते थे और अक्साई चीन की भी बात करते थे। तो यही था जम्मू कश्मीर और इसी के भूगोल में परिवर्तन किया गया है। तो उस विधेयक में क्या था? उस विधेयक में था कि ये जो जम्मू कश्मीर है अब राज्य नहीं रहेगा, तो होगा क्या, ये होगा यूनियन टेरिटरी, होगा UT यानी केंद्र शासित प्रदेश होगा। और किस दो प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश होगा? एक जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर रहेगा ही, अनुच्छेद 239 के तहत इसे बनाया गया था और इसी में से एक और यूनियन टेरिटरी निकाला गया लद्दाख, इसे बनाया गया 239A के तहत इसे बनाया गया, 239 के तहत इसे बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बनाया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसी से लद्दाख को निकाल के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और कहा गया कि दोनों की एक हाईकोर्ट होगा और उस समय एक राज्यपाल होंगे जो दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे। और इन्हीं सभी की चर्चा राज्य पुनर्गठन विधेयक में थी, जिसे राज्यसभा में 5 अगस्त को, लोकसभा में 6 अगस्त को और 9 अगस्त को राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर के तहत जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक को पास करके जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना दिया। यानी कि 5 अगस्त को यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा से पास हुआ, 6 अगस्त को लोकसभा से पास हुआ, 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने इसे पास किया और 31 अक्टूबर को ये लागू हो गया। 31 अक्टूबर एक ऐसा डेट है जिसमें
खुशी भी होती है और दुख भी होता है। खुशी इस बात की कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, और दुख इस बात का है कि 31 अक्टूबर 1984 को ही इंदिरा गांधी की हत्या दिल्ली में उनके बॉडीगार्ड ने की थी। तो चूंकि रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो उन्हीं की जयंती पर 31 अक्टूबर को इसे पूरे ये जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को भारत में लागू कर दिया गया, और इस डेट से जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जहां लद्दाख की राजधानी लेह को बनाया गया। इसमें दो डिस्ट्रिक्ट दिए गए, एक लेह और एक कारगिल। कारगिल का युद्ध 99 को हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी, हम लोग जानते हैं। ये लेह एक महत्वपूर्ण शहर है, जहाँ से एक नदी गुजरती है, सिंधु नदी, जिसके नाम पे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा है। तो ये लद्दाख बनाया गया, जो एक बौद्धिस्ट क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और इस प्रकार 2019 पुनर्गठन विधेयक पास हो गया, और आज धारा 370 खत्म हो चुका है, 35(a) खत्म हो चुका है, राज्य का दर्जा हटा दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और कहा गया है जब स्थितियां बेहतर होंगी तो जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। जहाँ जम्मू कश्मीर को एक विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जैसे कि पांडिचेरी में विधानसभा है, दिल्ली में विधानसभा है, लेकिन अनुच्छेद 239(a) के तहत लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। वहाँ केवल एक ही लोकसभा के सदस्य को रखा गया है। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा और 4 राज्यसभा के सदस्यों को रखा गया है। तो ये सभी चीज़ें जम्मू कश्मीर की है। अब हम लोग को ये देखना है कि इतना जो हुआ है, इसमें जो संशोधन हुआ है संविधान में, जो संशोधन हुआ, वो संशोधन हुआ कैसे। हम लोग को पता है कि जब 370 बना था तो इसमें कहा गया था कि इसमें संशोधन हो सकता है। 370 के 3 में कहा गया कि संशोधन तो हो सकता है, लेकिन संशोधन वहां के संविधान सभा करेगी। यानी कि जब जम्मू कश्मीर का संविधान 1956 में बन के तैयार हुआ, तो लिखा गया कि जम्मू कश्मीर का जो 370 है उसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन उसकी संविधान सभा चाहेगी तो। हम लोग को पता है कि ये संविधान सभा 1957 में ख़त्म हो गई। अब जब संविधान सभा है नहीं, तो संशोधन क्या होगा, कैसे होगा। अब यहाँ पे दो विचारधारा है। यदि आप राइट विंग के हैं, यानी आप गवर्नमेंट ओरिएंटेड हैं, अर्थात बीजेपी ओरिएंटेड हैं, तो आपको लगेगा कि जब संविधान सभा नहीं है तब भी इसमें संशोधन हो सकता है। लेकिन आप यदि कांग्रेस मेंटेलिटी के हैं, तो आपको लगेगा जब संविधान सभा है ही नहीं, तो इसमें संशोधन कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन 370(3) को देखें, और हम लोग ये भी जानते हैं कि भाग 21 का ये भाग था जिसमें अस्थायी चीज़ों को रखा जाता है। अस्थायी मतलब कि धारा 370 कभी भी हट सकता है। 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक मित्र को ये पत्र भी लिखा था कि 1962 में कि धारा 370 अस्थायी, और आज नहीं तो कल धारा 370 हटेगा ही हटेगा। तो अब संविधान सभा तो भाई 1957 में खत्म हो गया, तो संविधान सभा नहीं है तो इसमें संशोधन करेगा कौन। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि यदि संविधान सभा नहीं है तो इसमें संशोधन विधानसभा, यानी अर्थात विधानमंडल करेगी। अब चूंकि 2018 में 2019 में राष्ट्रपति शासन था, वहां विधानसभा विधानमंडल थी ही नहीं, तब फिर संशोधन कैसे होगा। तो अनुच्छेद
70 के 3 का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ये भी कहता है, यदि संविधान सभा नहीं है तो विधानसभा, और विधानसभा नहीं है तो संसद उसमें संशोधन कर सकती है। यानी कि संविधान सभा नहीं है तो इसके जगह पे विधानसभा नहीं है तो इसके जगह पे संसद, इसमें संशोधन अर्थात 370 में संशोधन कर सकती है। लेकिन करेगी कैसे? तब होगा जब वहां पे एक राज्यपाल होगा। तो जैसे ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राज्यपाल तो आ ही जाएगा। तो हम लोग 2019 की स्थिति को अब देखते हैं। संविधान सभा तो 2019 में ही खत्म 1957 में ही खत्म हो गई थी। अब 2019 में वहां पे राष्ट्रपति शासन था, तो राष्ट्रपति शासन था तो विधानसभा नहीं है, तो विधानसभा नहीं है तो संशोधन कौन करेगा? संसद करेगा। यानी कि संविधान सभा इजकल टू विधानसभा, और विधानसभा इजकल टू संसद, यानी कि ए इजकल टू बी, तो बी इजकल टू सी, तो सी इजकल टू ए हो गया कि संविधान सभा का रोल संसद करेगी। अब शक्ति संसद के पास है कि वो धारा 370 में परिवर्तन कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है। हम लोग जानते हैं कि 2019 में केंद्र में मोदी गवर्नमेंट है, ये उस समय की बात है जब 1954 से संशोधन शुरू हुआ, तो केंद्र में जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी और वहाँ जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी। ऐसा नहीं है कि 2019 में पहली बार परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन लगातार हो रहा था और 2019 तक 80% संशोधन हो चुके थे, ये कोई नई बात थी नहीं। तो विधानसभा का काम संसद करेगी। उसमें ये कहा गया था कि जब विधानसभा नहीं है तो वहाँ के राज्यपाल यदि परामर्श देंगे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति अनुमोदन करेगा संसद को, तभी धारा 370 खत्म होगा। तो राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे, उन्होंने 2019 में ये अनुमोदन किया राष्ट्रपति को कि स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, अब समय आ गया है कि धारा 370 को हटाया जाए। तो राज्यपाल ने राष्ट्रपति को परामर्श किया और राष्ट्रपति ने ये आदेश निकाला कि धारा 370 को संसद खत्म कर सकती है। तो अनुच्छेद 370(3) के तहत संविधान सभा के जगह पे विधानसभा होनी चाहिए थी, विधानसभा नहीं है तो संसद इसमें परिवर्तन कर सकती है, यानी कि संविधान सभा बराबर विधानसभा, विधानसभा बराबर संसद। इसी शक्ति का प्रयोग करके अनुच्छेद 370(3) का प्रयोग करके पूरे 370 को खत्म किया गया, पूरे 370 को खत्म किया गया। और लोकसभा में बहुमत बीजेपी का था तो उसे लोकसभा और राज्यसभा से पास कराने में ज़्यादा समय लगा नहीं और अनुच्छेद 370 पूरी तरह खत्म हो गया। कुछ लोग का कहना है कि 370(1) है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से 370 को खत्म किया गया है और उसके जगह पे 370(1) जोड़ा गया है, अलग से जोड़ा गया 2019 में। वो कहता है कि अब जम्मू कश्मीर पे पूरी तरह से भारत का संविधान लागू होगा, भारत का कोई भी नागरिक वहाँ पे विवाह भी कर सकता है, वहाँ के जमीन को, वहाँ के जायदाद को खरीद भी कर सकता है, वहाँ व्यापार भी कर सकता है, परमिट की तो पहले भी कोई आवश्यकता रही नहीं थी। तो इस प्रकार अनुच्छेद 370 में ही ये बात निहित थी
कि 370 को हटाया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 373 के तहत पूरी तरह 370 को ख़त्म किया गया। वहाँ का भी आरक्षण केवल SC को मिलता था, अब वहाँ आरक्षण ST को भी मिला। यदि आप 2019 में गौर करिएगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने BJP का इस आधार पर समर्थन किया, यदि आप ST को भी आरक्षण दीजिएगा तो हम आपका समर्थन राज्यसभा में करेंगे। और मायावती ने राज्यसभा में BJP का समर्थन किया, 373 के तहत पूरा 370 खत्म हो गया और 370 एक नया लाया गया, वो पहले वाला नहीं है, 370 एक लाया गया और उसमें कहा गया कि अब भारत का संपूर्ण संविधान जम्मू कश्मीर पे लागू होगा, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा और जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो इसे एक राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा एक मामला यहाँ पे ख़त्म होता। अब दो तीन चीज़ें जो विवाद का विषय है, एक जो अभी हम लोग हाल फिलहाल देखे हैं, एक मूवी कश्मीर फाइल्स, आप अगर इस मूवी को गौर से देखें तो इसमें ये है कि कश्मीरी पंडितों का वहाँ से पलायन हुआ है, कश्मीरी पंडितों को वहाँ के आतंकवादियों ने मारा है, ये 1990 की घटना में बनाया हुआ मूवी है। अब इसे ध्यान से देखिए तो इसे बनाया किसने है, इसे विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बनाया, जो कभी JNU के स्टूडेंट भी थे, बाद में जाके लंदन वगैरह में पढ़ाई भी उन्होंने किया था। ये विवेक रंजन अग्निहोत्री सेंसर बोर्ड के वर्तमान सदस्य हैं, यानी गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। इनकी पत्नी पल्लवी जोशी इस मूवी में एक एक्ट्रेस है, इन्हें भी गवर्नमेंट एक पोस्ट दे रही थी लेकिन कुछ विवाद के तहत उसे नहीं लिया गया। अगर आप इसके एक्टर को देखिएगा, अनुपम खैर, हम लोग जानते हैं कि उनकी पत्नी जो किरण खैर है चंडीगढ़ की MP है, अनुपम खैर खुद प्रो मोदी हैं, मिथुन चक्रवर्ती भी एक्टर हैं, वो भी BJP के हैं, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि BJP ओरिएंटेड लोगों ने इस मूवी को बनाया है। कहने का मतलब ये नहीं है कि मूवी गलत है, कहने का मतलब ये है कि इसमें जो चीज़ों को दिखाया गया है अगर उसे पूरी तरह से सही भी मान लिया जाए तो क्या मूवी बन जाने से ये समस्या का समाधान हो जाएगा कि वहाँ आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, क्या ये समाधान हो जाएगा कि जो कश्मीरी पंडित हैं उन लोगों का पलायन हुआ है उन्हें फिर से लाके वहाँ रखा जाएगा। यहाँ पे होना ये चाहिए कि पहले वहाँ के कश्मीरी पंडितों से पूछा जाए कि क्या आप फिर से कश्मीर में बसना चाहते हैं। मान लिया जाए आप रहने वाले महाराष्ट्र के हैं, 40 साल से आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं या बिहार में रह रहे हैं, किसी कारणवश आपको वहाँ से पलायन करना पड़ा, मजबूरी बस या मरने के डर से आपको पलायन करना पड़ा है, तो क्या फिर से आप उस जगह जाना चाहिएगा जहाँ पे कभी आपको मारने की मरने की धमकी दी गई थी। तो पहले ये देखना चाहिए कि क्या कश्मीरी पंडित फिर से वहाँ एस्टैब्लिश होना चाहते हैं। यदि एस्टैब्लिश होना चाहते हैं तो ये देखना चाहिए कि 8 वर्षों में मोदी गवर्नमेंट ने उन्हें एस्टैब्लिश करने के लिए क्या किया है। अगर होना चाहते हैं तो उन्हें एस्टैब्लिश करना चाहिए, क्योंकि धारा 370 अब है नहीं, वहाँ कोई भी जाके रह सकता है। एक मूवी के आधार पे ये इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए कि वहाँ की पूरी जनता, पूरी मुस्लिम बहुल जनता आतंकवाद को समर्थन करती थी जिस समय पलायन हुआ था। तो क्या ये मूवी में दिखाया गया कि बहुत सारे ऐसे भी पड़ोसी थे जो अपने हिंदू मित्रों को अपने घरों में रखे थे, इन सभी चीज़ों को तो मूवी में दिखाया नहीं गया है। इसलिए मेरा अपना मत है कि एक सिनेमा के आधार पे एक वर्ग विशेष को टारगेट नहीं किया जाए, समस्या जो है उसका समाधान हो। यदि कश्मीरी पंडित कश्मीर में 30 साल 40 साल के बाद फिर रहना चाहते हैं तो उनका उन्हें रखा जाए, और ये भी देखा जाए कि 8 वर्षों में सरकार ने किया क्या है, क्या पॉजिटिव काम किया है। तो ये एक कश्मीर फाइल पे मेरा अपना विचार है। अब एक छोटा सा मुद्दा है जवाहरलाल नेहरू का। हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के कारण ये कश्मीर विवाद उत्पन्न हुआ। हम लोग को पता है कि 1947-1948 31 दिसंबर को, जो हम इस लेक्चर में हम लोग बात भी किए हैं,
31 दिसंबर 1948 को नेहरू जी ने केवल अपने स्वविवेक से बिना किसी के परामर्श के यूएन में ये शिकायत लेके गए कि कश्मीर किसका होगा, पाकिस्तान का होगा या भारत का होगा। और यहीं से चीज़ें बदल गई। उससे पहले भी उन्होंने दिल्ली में ये घोषणा की थी कि जनमत संग्रह के आधार पे कश्मीर के समस्या का हल होगा। अब देखिए, जिस समय 1947 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने हैं, उस समय के भारत और आज के भारत में अंतर है। वो जब प्रधानमंत्री बने थे तो भारत जो एक देश था, जो एक देश है, काफ़ी विकट परिस्थितियों से गुजर रहा था। उन्होंने, हो सकता है कि ये निर्णय गलत लिया होगा, लेकिन गलत निर्णय के आधार पे एक व्यक्ति को ही गलत साबित कर देना, मेरे नज़र में ये सही नहीं होगा। अगर आप यूएन को देखिए तो यूएन में एक देश अमेरिका था, एक देश ब्रिटेन भी था, जो आज़ादी के बाद भारत का मित्र बना। तो एक पॉइंट है नेहरू जी का कि यूएन में ब्रिटेन भी था, कश्मीर में उनके एक मित्र थे जो चीफ मिनिस्टर बने थे, शेख अब्दुल्ला। उनका ये मानना था कि शेख अब्दुल्ला जो एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है, जो पाकिस्तान पसंद नहीं है, वो जब वोटिंग होगा तो यहाँ की कश्मीरी जनता को भारत के पक्ष में वोट कराएगा। तीसरा, हम लोग एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम लोग को धर्म से कोई मतलब नहीं। हम लोग में हिंदू भी आ सकता है, हम लोग में मुस्लिम भी आ सकता है, कोई भी भारत में रह सकता है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि हर धर्म के लोग भारत में रहते भी हैं। तो एक पॉइंट, यूएन में भारत की स्थिति बेहतर थी। दूसरा कि जो शेख अब्दुल्ला भारत कश्मीर का सबसे बड़ा नेता था, वो नेहरू का कहीं ना कहीं मित्र भी था और साथ में पाकिस्तान विरोधी भी था। तीसरा, नेहरू जी और भारत का छवि धर्मनिरपेक्ष था, उसमें हर धर्म के लोगों का समावेश हो सकता था। चौथा, नेहरू जी ने सोचा होगा कि जब जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पे भारत में मिलाया गया है तो कश्मीर को भी जनमत संग्रह के आधार पे मिलाया जाएगा। यदि दो दृष्टिकोण रखा जाएगा तो ये आने वाले समय के लिए ठीक नहीं होगा और भारत पे ये लालचन लगेगा। उसी समय कश्मीरी के मुद्दे से पहले हैदराबाद का मुद्दा हुआ था, जिसे हैदराबाद को सैन्य हमले के तहत, सैन्य आक्रमण के तहत भारत में मिलाया गया था। तो उन्हें लगा कि अंतर्राष्ट्रीय छवि इससे भारत की खराब होगी। हो सकता है इसी कारण वो यूएन गए कि एक यूएन इसे एक अच्छे से फैसला लेगा और तब कश्मीर को भारत में जनमत संग्रह के आधार पे भारत में मिलाया जाएगा। अब जो एक निर्णय होता है, उस समय हो सकता है कि महात्मा गांधी भी भारत के प्रधानमंत्री होते तो उनसे भी गलतियां हो सकती थी। तो गलतियां नेहरू से हो सकता है कि हुई होगी, लेकिन नेहरू जी के पूरे व्यक्तित्व को गलत कहना, मेरे नज़र में ये सही नहीं होगा। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसकी चर्चा छूट गई होगी, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो ये एक पूरे कश्मीर का मेरा एक अपना व्यू है। आने वाले समय में यदि आवश्यकता होगी तो फिर कश्मीर पे वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।